नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आज एक बार फिर से कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता की, तमाम ऐसे सवाल उठाए जो वो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते। आज रीवा की शहर और जिला कांग्रेस इकाई ने पत्रकार वार्ता करते हुए कुछ गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था, 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अडानी महाघोटाले दो पर कुछ सवाल पूछे थे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वो सवाल दे देने चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया या $3 बिलियन किसका लगा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने अडानी के विमान में आराम करते हुए मोदी की तस्वीर, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दिखाई थी। अडानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। साथ ही पीएम मोदी नहीं चाहते अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो अभी कब का जवाब दे चुके हो। बीजेपी इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की हास्यास्पद कवायदें कर रही है। भारत का अंदरूनी मामला, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम। तमाम तरीके के ऐसे सवाल कांग्रेस ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए उठाए। उनका कहना था, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने का घटिया चाल भी खुलकर पूरे देश की जनता के सामने आ गया है। सबसे बड़ा सवाल, 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी का चुनावी भाषण, 16 अप्रैल को विधायक ने सूरत में शिकायत दर्ज कराई, 7 मार्च 22 को उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की अपनी ही शिकायत पर, उसके बाद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अडानी और पीएम के रिश्ते पर सवाल उठाया, उसके बाद घटनाक्रम काफी तेजी से बदले। शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने का अनुरोध वापस ले लिया। निचली अदालत पर फिर से सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया 23 मार्च को। 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त। तमाम ऐसे सवाल जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, वो ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब दे दें। सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गया। सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर की ओर से यहाँ पर स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम भी है, आज की पत्रकार वार्ता विशेष मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण और शहर के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का जो सरकार ने निर्णय लिया, पार्लियामेंट से जो निर्णय पारित हुआ और उस निर्णय के पीछे का जो रहस्य है कि माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश के अंदर यह आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, देश की सड़कों के अंदर, कि देश में नौजवानों को रोजगार, रोजगारों को नौकरी, महंगाई और इसके साथ साथ अडानी के द्वारा जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया, काले धन का उपयोग किया गया और उस भ्रष्टाचार से पर्दा डालने का काम जो देश के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, उस विषय को लेकर आज की पत्रकार वार्ता है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आपसे उन विषयों पर बात करेंगे और उसके बाद आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी सार्थक जवाब देंगे। माननीय सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा आघात पहुंचाया गया,
माननीय राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इनकी आदन पालन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके द्वारा सदस्यता समाप्त की गई। इसी विषय पे मेरी एक प्रेस वार्ता है। साथियों, मैं आपसे कुछ अलग किस्म की बातें करना चाहता हूँ, उसपे इसके पीछे के कारण, इसके पीछे के जो रहस्य है, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। राहुल जी ने, मैं आपको सारे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे कुछ घटनाएं होती। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं। राहुल गांधी जी सदन में प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी जिस हवाई जहाज का प्रयोग कर रहे थे 2014 के चुनावों में, वो अडानी ग्रुप का था। उनका प्रश्न ये था कि हाल में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडानी जी की कंपनियों में डिफरेंट ग्रुप से जो 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, उनकी शेल कंपनियों से, शेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है, और वही पैसा जो है वो किसका है, उसकी ओनरशिप किसकी है, ये पता चलना चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर ये किसी कांग्रेस के सांसद की है, किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री की है, किसी उद्योगपति की है, तो उसका नाम आना चाहिए और उसकी विधिवत उस पर कानूनी कार्यवाही। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी की किसी संबंधित नेता की है, किसी नेता के रिश्तेदार की है, तो उस पर भी न्यायोचित कार्यवाही हो। एक प्रश्न। दूसरा, उन्होंने एक चीज कही कि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर जाते हैं और विदेश यात्रा में जब लौटते हैं तो वहां आए कटानी जी डिफेंस बिल साइन कर। ऐसा क्यों होता है कि हर बार उनकी विदेश यात्रा के पीछे एक डिफेंस बिल साइन? ये उनके प्रश्न थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें कि इसमें आपस में क्या रिश्ता है। अडानी जी का जहाज प्रयोग करना, फिर इसके बाद अडानी जी का जहाज प्रयोग करना, इसके बाद अडानी जी, मोदी जी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं तो विदेश यात्रा के बाद डिफेंस डील क्यों साइन होती है अडानी जी की, और इन सब चीजों के बीच में क्या रिश्ता है? अब मैं आपको कुछ अलग किस्म की बातें इसमें कर रहा हूं। ये एक घटना है, इसके 9 दिन बाद अचानक से राहुल गांधी जी की एक सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाती। सदस्यता समाप्त करने के लिए एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है, और वह कोर्ट का निर्णय है, एक कोर्ट का निर्णय लिया जाता है, वो कोर्ट ये कहता है कि एक अवमान्य का मुकदमा उठे, मानहानि के केस में उनको 2 वर्ष की सजा। अब इसमें कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैं आपको बताता हूं, जिसको अपन क्रोनोलॉजी कहते हैं। अप्रैल 13, 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं राहुल गांधी, जिसमें वो ये कहते हैं कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब जितने मोदी नाम हैं, ये अधिकांशतः चोरी में, इनका क्या क्यों नाम? वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि वो नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं कि ललित मोदी को बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मोदी नाम सरनेम वाले कुछ लोग चोर क्यों है, भगोड़े क्यों? दूसरी चीज, ये एक राजनीतिक भाषण था। दूसरी बात, अप्रैल 16 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में एक शिकायत दर्ज की
और उस शिकायत में कहा कि इन्होंने मोदी सरनेम वालों का अपमान किया और इसके लिए इन पे मानहानि का मुकदमा दायर किया। मार्च 7 2022 को जो शिकायत करता है वो रोक लगाते हैं, हाईकोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि मेरी जो उस एप्लीकेशन है उस पर रोक लगाते हैं। एक तरीके से वो मुकदमे को कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, शिथिल करने की मांग करते हैं। इसके पूर्व में वो अपने मुकदमे में उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि प्रत्येक पेशी में राहुल गांधी जी आए। माननीय जज महोदय ने कहा कि हर पेशी में उनका हाजिर होना जरूरी नहीं कानून की तहत। अब वो 2022 में हाई कोर्ट में लगाते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको पेंडिंग रखा जाए। जैसे ही राहुल गांधी प्रश्न पूछते हैं संसद, अडानी जी के खिलाफ अडानी जी के रिश्ते सरकार से क्या है इसको लेकर जैसे ही प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही वो पूर्णेश मोदी जी पुणे कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट में जो उन्होंने रोकने की अर्जी लगाई थी वो उसको वापस ले लेते हैं। देखिए फरवरी 16 2023 को उन्होंने वापस ली और मार्च 23 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। यहाँ हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में आप कोई अर्जी लगाओ और फिर उसका परिपालन आप परिणाम के रूप में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा लो, एक महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, यह असंभव लगता है, पर यह सब हो रहा है। ये एक क्रोनोलॉजी है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करता है, राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में 2 वर्ष की सजा सुनाता है। 2 वर्ष की सजा मानहानि के केस में उच्चतम सजा हो, हाईएस्ट पनिशमेंट। मानहानि के केस में जनरली ऐसा होता है कि आपको 1 दिन की सजा होती है, 8 दिन की सजा होती है, या आपको सुबह से शाम तक खड़े रहने की सजा होती है कोर्ट में, इस किस्म की होती है। 2 वर्ष की सजा उच्चतम सजा है। महात्मा गांधी को एक सांसद के द्वारा अपशब्द बोले जाते हैं, हमारे राष्ट्रपिता है, अवमान्य किसने लगे, मानहानि नहीं होते। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री अगर कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो केस नहीं होता। जज साहब माननीय क्या कहते हैं कि बोलते वक्त वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब मजाक में बोल रहे, इसलिए अनुराग ठाकुर पे केस नहीं लगता। भोपाल की सांसद महोदया जो है हमारी, उन पे राष्ट्रपिता का अपमान करने पे केस नहीं लगता। मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि एक सांसद इस किस्म का बयान राष्ट्रपिता के खिलाफ, मोदी जी को शर्म आ रही और उनपे अवमान्य नहीं लग रही, राहुल गांधी जी पे अवमान्य लग रही और अवमान्य में फैसला किसका सुनाया जा रहा है, 2 वर्ष। अब इसमें भी एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, किसी भी सांसद को अयोग्य ठहराने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सजा अनिवार्य है। मतलब अगर वो 2 वर्ष 1 महीना हाई न्यूनतम होता तो ये 2 वर्ष 1 महीना सुना। उन्होंने 1 वर्ष 11 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 वर्ष 10 महीने की सजा नहीं सुनाई, उन्होंने 1 महीने की नहीं सुनाई, उन्होंने क्या बताई, 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा जो मानहानि के केस में उच्चतम सजा और इस क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी जी का जो प्रश्न है अडानी जी को लेकर, उसमें सरकार को भयभीत किया, आनंद फानंद में सरकार ने उनकी सदस्यता की निलंबित की। सदस्यता निलंबित करने से क्या फायदा, अवमान्य केस में 2 वर्ष की सजा होने पे राहुल गांधी जी 2 वर्ष और उसके आगे आने वाले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता। ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।